बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, कल से जो सिचुएशन बनता जा रहा है, कल सुबह से मैं ये चाहता था कि मैं आपको इत्माद में लूँ इस चीज़ के। देखें, हमने पुलवामा के बाद हिंदुस्तान को पूरी ऑफर की कि किसी किस्म की वो इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, हम उसके लिए तैयार हैं। पुलवामा में उनकी कैजुअल्टीज हुई और मुझे पता है कि लोगों को, उनके लवाइकीन को कैसी तकलीफ़ पहुंची होगी, क्योंकि यहाँ 10 साल से कुछ 70,000 कैजुअल्टीज़ हुई हैं और मैं 10 साल से कितने हस्पतालों में गया हूँ और जिधर मैंने लोगों को देखा है, बॉम्ब ब्लास्ट विक्टिम्स जिनके बाजू नहीं हैं, टांगे नहीं हैं, चल नहीं सकते, आंखें नहीं हैं। इससे मुझे पता है कि एक तो जो इस दुनिया से चले गए और दूसरा जो कि इंजर्ड हुए उनके ऊपर और उनके घर वालों पे क्या गुजर रही है। इसलिए हमने सीधा सीधा हिंदुस्तान को ऑफ़र किया कि किसी तरह की भी आप इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, अगर उसमें कोई भी पाकिस्तानी मुलव्वस है तो पाकिस्तान पूरी तरह तावन करने के लिए आपसे तैयार है। हमने ये इसलिए कहा कि ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है कि हमारी ज़मीन इस्तेमाल की जाए कहीं भी दुनिया में बाहर दहशतगर्दी करने पे, और ना ही बाहर से कोई पाकिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल करे। तो इसलिए इसमें तो कोई डिस्प्यूट थी नहीं, हम तो जब तैयार थे, हम जब पूरी तरह तावन करने के लिए तैयार थे, तो मुझे ये ख़दशा था कि उसके बावजूद हिंदुस्तान ने कोई एक्शन लेना, और इसीलिए मैंने उन्होंने कहा कि हमारी मजबूरी होगी, जब आप एक्शन लेंगे हमारी मजबूरी होगी रिस्पॉन्ड करना, क्योंकि कोई भी सॉवरन मुल्क ये किसी मुल्क को इजाज़त नहीं देता कि वो उसके मुल्क के अंदर कार्रवाई करे और ख़ुद ही फैसला कर ले कि वो उसने जुर्म किया, जज जूरी और एग्जीक्यूशन खुद ही बन जाए। और मुझे खदशा इसलिए था कि हिंदुस्तान के इलेक्शंस हैं और मुझे लग रहा था कि उसकी वजह से कोई एक्शन लिया जाएगा, लिहाजा मैंने हिंदुस्तान को कहा कि हमें जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो जब कल सुबह को जो एक्शन लिया गया, सुबह हमारी बात हुई आर्मी चीफ की, एयर चीफ की और मेरी, और हमने इसलिए एक्शन नहीं लिया सुबह क्योंकि हमें पूरी तरह पता नहीं था कि किस तरह का डैमेज हुआ है पाकिस्तान में वो, और जब तक वो हमें पता ना चलता तो ये भी बड़ा इरेस्पॉन्सिबल होना था पाकिस्तान से कि अगर हम एक्शन ले लेते और हिंदुस्तान की कैजुअल्टीज़ कर देते जब हमारी कोई कैजुअल्टी नहीं हुई थी। तो लिहाजा हमने इंतज़ार की और आज हमने एक्शन लिया। हमारा पहले से प्लान था कि कोई कोलैटरल डैमेज ना हो, कोई कैजुअल्टीज़ ना हो, सिर्फ हम ये बताएं हिंदुस्तान को कि हमारे में कैपेबिलिटी है कि अगर आप हमारी मुल्क में आ सकते हैं तो हम भी आपके मुल्क में जाके कार्रवाई कर सकते हैं, सिर्फ इसका ये मकसद था। दो हिंदुस्तान के मिग्स ने पाकिस्तान की रिटेलिएशन में बॉर्डर क्रॉस किया, उनको शूट डाउन किया गया, और मैं ये भी आज कहना चाहता हूँ कि पायलट्स हमारे साथ हैं। अब मसला ये है कि अब हम इधर से किधर जाते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। मैं अब हिंदुस्तान से मुखातिब हूँ, ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ हम थोड़ी सी अकल और हिकमत इस्तेमाल करें। जितनी भी दुनिया में जंगें हुई हैं बड़ी बड़ी, सारी जंगों में मिसकैलकुलेशन हुई है। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि जो जंग शुरू कर रहे थे कि वो जंग किधर जाएंगी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर महीनों में ख़त्म होनी थी, वो 6 साल लग गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक ऐसा वक्त आया, हिटलर ने सोचा कि मैं रूस को फतह कर लूँ, उसने यही नहीं सोचा था कि रूस की सर्दियों तक शायद डिले हो जाए और उसकी तबाही हुई वहाँ। उसी तरह वॉर ऑन टेरर में क्या अमेरिका ने सोचा था कि 17 साल तक वो अफगानिस्तान में फंसे रहेंगे। वियतनाम वॉर, क्या सोचा था अमेरिका ने कि वो वियतनाम वॉर इतनी दूर जाएगी। इसलिए ये दुनिया की तारीख हमें बताती है कि जंगों में मिसकैलकुलेशन होती है। मेरा सवाल ये है हिंदुस्तान हुकूमत से कि क्या जो हथियार आपके पास हैं और हमारे पास हैं, क्या हम मिसकैलकुलेशन अफोर्ड कर सकते हैं? क्या हमें इस वक्त सोचना नहीं चाहिए कि ये अगर यहाँ से एस्केलेट होती है तो ये किधर जाएगी? ना मेरे कंट्रोल में होगी, ना नरेंद्र मोदी के कंट्रोल में होगी। इसलिए मैं फिर से आपको दावत देता हूँ कि जब हम तैयार बैठे हैं
हमने आपको कहा कि जो आपकी पुलवामा की जो ट्रेजेडी हुई उसके जो आपको जो दुख पहुंचा है, किसी किस्म का डायलॉग करना चाहते हैं दहशतगर्दी के ऊपर, हम तैयार हैं। लेकिन मैं फिर से आपको कहूंगा कि इस वक्त बेटर सेंस शुड प्रिवेल, हमें बैठ के बातचीत से अपने मसले हल करने चाहिए। शुक्रिया।